गाइज वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो आज के वीडियो में अगेन मैं आपके साथ कुछ डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स के आइडिया शेयर करूंगी आई होप आज का वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा सो द फर्स्ट वर्कशीट इज फॉर नंबर बॉन्ड्स वर्कशीट मैंने जिया को नंबर बॉन्स के लिए दी थी तो नंबर बॉन्स का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही बेसिक है बट एवरी नाउ एंड देन आपको बच्चे को ये पक्का प्रैक्टिस के लिए देना चाहिए क्योंकि अगर बच्चे को नंबर बॉन्ड का कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया तो उन्हें आगे चल के हायर नंबर्स की जो एडिशन अट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन करने में काफी हेल्प मिलेगी तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ थ्री बेसिक मैथ एक्टिविटीज शेयर की थी जो कि आपको बच्चे को पक्का सिखानी चाहिए तो नंबर बॉन्ड भी उन एक्टिविटीज में इंक्लूडेड था तो अगेन नंबर बॉन्ड का आपको पक्का बच्चे को करने के लिए देना है तो इस एक्टिविटी का लेवल थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं uh, बीच बीच में यहां पे मैंने जो होल नंबर है वो मिसिंग रखा था तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है आप वेरिएशन देके ये एक्टिविटी बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं बट अगेन जैसा अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहती हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी एक्टिविटी इंक्लूड करवा रहे हैं बच्चे को तो ऑलवेज स्टार्ट विद द इजी एक्टिविटीज जिसमें कि आप वन से लेकर टेन तक के बीच के नंबर्स के लिए नंबर बॉन्ड बच्चे को करने के लिए दीजिए और जैसे बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से समझ आ गया देन यू कैन मूव ऑन टू हायर नंबर्स फॉर द नेक्स्ट वर्कशीट आई आस्ट हर्ट टू राइट फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ दीज तो यहां पर शेप्स के लिए मैंने उसे तीन एग्जाम्पल्स लिखने के लिए कहा था देन सीजन लिक्विड बर्ड्स ये वाली वर्कशीट आप डिक्टन टाइप की वर्कशीट बोल सकते हैं जिसमें अगर आपने कुछ कॉन्सेप्ट बच्चे के साथ प्रैक्टिस किए हैं और उनकी रिविजन के लिए आप ऐसी वाली वर्कशीट दे सकते हैं जिसमें से रैंडमली आप कोई भी कैटेगरी से रिलेटेड बच्चे को वर्ड्स लिखने के लिए बोल सकते हैं नेक्स्ट वी हैव वर्ड प्रॉब्लम्स तो वर्ड तो प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पक्का बच्चे को ये करने के लिए देनी चाहिए तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी आप वीडियो को पॉज करके इन वर्ड प्रॉब्लम्स को अगर चाहें तो कॉपी कर सकते हैं मैंने भी ये वाली जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो गूगल सर्च ही की थी तो आप सिंपल गूगल सर्च भी कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके इन वर्ड प्रॉब्लम्स को कॉपी कर सकते हैं वी हैव टू मोर वर्ड प्रॉब्लम्स हेयर एंड नेक्स्ट एक्टिविटी इज फॉर राइट दी कॉन्ट्रेक्शन फॉर दी गिवन वर्ड्स तो अभी जीया रीडिंग बहुत ही अच्छे से कर लेती है तो जब भी वो बुक्स वगैरह रीड करती है तो उसमें काफ़ी सारी कॉन्ट्रेक्शन यूज की होती हैं तो जस्ट टू मेक श्योर कि उसे पता है कि अगर इजेंट लिखा है तो इसका मतलब क्या है या अगर हिज लिखा है तो उसका मतलब क्या है तो मैंने उसे सिंपल सी एक एक्टिविटी बना के दी थी कॉन्ट्रेक्शन के लिए नेक्स्ट वर्कशीट इज़ फॉर मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लीकेशन की ये बिल्कुल ही बेसिक सी वर्कशीट है जिसमें रैंडमली मैंने फाइव uh, तक के जो मल्टीप्लीकेशन के कुछ सम्स uh, जी को करने के लिए दिए थे नेक्स्ट वी हैव टैली मार्क्स तो अगली वर्कशीट में मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे थे और उनके टेलीमार्क्स जो आपको आगे लिखने के लिए दिए थे so, तो टैली मार्क्स बच्चों को कैसे सिखाने हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं एल्ड प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन सो दिस वॉज द लास्ट वर्कशीट फॉर दैट डे बट मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज में एक एक्टिविटी एक शेयर की थी और आप में से काफी सारी मदर्स की मुझे रिक्वेस्ट आई थी उस वर्कशीट के लिए सो मुझे लगा कि अभी ये वाली वर्कशीट मैं आपके साथ शेयर कर देती तो ये वाली जो वर्कशीट है दिस इज फॉर एडिशन एंड सब्टन और ऐसी सिमिलर जो हैं, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं सिमिलर नहीं कहूंगी मैं इससे पहले हम लोग जो वर्कशीट्स करते थे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ तो ये वाली जो वर्कशीट है आपने काफी बार हमारे चैनल पे ये वाली वर्कशीट देखी है जिसमें मैं एडिशन और सब्ट्रेक्शन के लिए चिया को ये वर्कशीट देती थी तो इस वाली वर्कशीट में क्या है कि ये बिल्कुल एक प्रॉपर सीक्वेंस में है लाइक बच्चा सिंपली यहां पे अगर एक नंबर दिया है तो वो देखेगा यहां पर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है उसे सॉल्व करके यहाँ पे जो आंसर आएगा देन नेक्स्ट जो पूछा गया होगा तो ये एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है जिसमें एक सीक्वेंस में एक्टिविटी चल रही है तो यहां पर आप देख सकते हैं अगेन ये वाली एक्टिविटी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए है बट अभी यहाँ पे ये यह एक्टिविटी जो है वो एक सीक्वेंस में नहीं है तो अगर बच्चे को आपने वो वाली जो वर्कशीट अभी मैंने आपके साथ शेयर की वैसी वर्कशीट नहीं करवाई हैं तो आई सजेस्ट कि आप वो वाली वर्कशीट से स्टार्ट कीजिए जब बच्चे को वो वर्कशीट करने में बच्चा कॉन्फिडेंट हो गया देन आप कुछ इस तरह की जो uh, वर्कशीट हैं वो बच्चे को बना के थोड़ा चैलेंज कर सकते हैं और दीज काइंड ऑफ वर्कशीट्स आर वन ऑफ आर फेवरेट वर्कशीट्स टू प्रैक्टिस एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट